मैं कहता हूँ यूपी में हो या कहीं भी हो, आम आदमी पार्टी अपनी राह पर है और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है जनता के जीवन में बदलाव कैसे आए। जो एक सड़ी गली व्यवस्था बरसों से चली आ रही है उसमें हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो हमारी राजनीति की भूमिका है और उसको हमने दिल्ली में करके दिखाया है। हम उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली का अभियान चला रहे हैं। आप सोचिए कि लाखों लोगों ने फॉर्म भर के हमारे इस अभियान में जुड़कर ये कहा कि नहीं, हमें ये फ्री बिजली की योजना आपकी पसंद है और हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब अगर हम हाथ में तिरंगा लेके उसको लोगों को संदेश देने के लिए जाए तो आप तिरंगा यात्रा पे रोक लगा देते हैं। वाराणसी में जो कुछ हुआ मेरे साथ आपने देखा हो। अगर हम भारत की धरती पे तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते तो मैं आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कहां लेके जाए तिरंगा, कहां पे निकालेंगे तिरंगा यात्रा अपनी। हर जगह रोक लगाना, अड़ंगे खड़ा करना, ये इस बात को दिखाता है कि इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो उनका चेहरा बेनकाब होता है ऐसी घटनाओं से। अब वाराणसी में दूसरे दलों के कार्यक्रम बड़े आयोजन हो सकते हैं, हमारी तिरंगा यात्रा नहीं हो सकती, उस पर रोक लगा दिया। परसों बस्ती में कल बस्ती में कार्यक्रम था, परसों वहां रोक लगाया, फिर रात में 12 बजे अनुमति दी। आज गोंडा में कार्यक्रम था, सोचिए आप 12 बजे का कार्यक्रम और अनुमति मुझे दी जा रही है 1:30 बजे, ये हालत है। तो इस तरह से जो विपक्षी दलों के प्रति एक दुर्भावना से शासन चलाना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और आदित्यनाथ जी को अपना ये रवैया बदलना चाहिए। दीपोत्सव पूरे देश में इसलिए मनाया गया था क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे और उसके पूर्व अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात है और वो 26 तारीख को आ रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा समय की बात नहीं है। दीपावली के पूर्व यहां पर आ रहे हैं और रामलला का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त। आप जैसे समझदार पत्रकार जब ये बात कहते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि संपूर्ण जानकारी के आधार पर अगर कोई बात हम लोग कहें तो वो ज्यादा सही होगा। दिल्ली में डीडीएमए के चेयरमैन माननीय एलजी साहब हैं, उनका आदेश बाध्यकारी होता है। उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर कहा कि छठ पूजा का आयोजन दिल्ली में कराया जाए और वो पत्र सार्वजनिक भी किया, हमने छिपाया नहीं है कुछ। एक जो 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 कार्य हमारे अधीन, जो रोक हम लगा ही नहीं सकते, उसके लिए भी हम पर आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे एलजी साहब को पत्र लिख के कहा कि भाई आप डीडीएमए के चेयरमैन के नाते आप परमिशन दीजिए और छठ पूजा में लोगों की आस्था है, वो आयोजन वहां पे कराया जा सके, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करेगी। आपको लगता है कि कराना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पे बिल्कुल होना चाहिए, छठ पूजा का आयोजन होना ही चाहिए और अब ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है जिसके कारण से छठ पूजा रोके जाने की कोई वजह। मुद्दों के आधार पर अपने अपने, जैसे किसानों का मुद्दा आया लखीमपुर का, उसमें तमाम विपक्षी दलों ने एक स्वर में वही बातें बोली जो कि जायज थी, किसानों के हक में थी। राजनीतिक गठबंधन तो दलों की इच्छा के ऊपर है, वो किससे चुनावी गठबंधन करते हैं नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा मैं ऐसा कोई किसी अहंकार में नहीं हूं इस तरह के, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यही मानता है कि हम, हमारा जो भी जनाधार है, जो भी संगठन है, उसके आधार पर हमें सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और अकेले लड़ना चाहिए। तो उसकी शुरुआत उनको अपने राज्यों से करनी चाहिए, राजस्थान से, पंजाब से, जहां जहां उनका शासन है वहां से शुरू करें। वो महिलाओं को भी वो हर पार्टी देखिए बड़ी बातें उन्होंने दो बातें की है। हर पार्टी चुनाव का वक्त है, वो घोषणाएं करने का अधिकार है, उनको करेंगे वो लोग, लेकिन कौन जमीन पे करके दिखा रहा है, सच कैसे, कौन उन वादों को पूरा करके दिखा रहा है, वो देखना और जांचना जनता का काम है और हम लोगों का काम है। अब उन्होंने कहा है कि साहब हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो भैया 50 साल कांग्रेस का राज रहा और लगभग 14-15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज हो गया,
तो 65 साल तो आप ही दोनों लोगों ने राज किया है इस देश में, और दोनों दलों से आप पूछिए तो दोनों कहते नहीं नहीं महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। अरे करेगा कौन, ओबामा थोड़ी आके करेंगे, आप लोगों की सरकार है, आप लोग केंद्र में रहे हैं समय समय पे, अभी भी भाजपा है, 33% आरक्षण का कानून पास कर दीजिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, 33% विधानसभाओं में, 33% लोकसभा में, किसी के ऊपर ऑप्शनल रहे ही नहीं। वरना तो आप देखते हैं हालत क्या होती है, कोई प्रधानपति बन के घूमता है, कोई प्रमुख पति बन के घूमता है। ये व्यवस्था तो बदलेगी तब जब एक कानूनी अधिकार मिलेगा उनको विधानसभा लोकसभा में लड़ने, जिसकी चर्चा आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, और यही प्रयास उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कर रहे हैं। हमसे कई बार लोग पूछते हैं आपका वोट बैंक क्या है, तो मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूं हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। जिसको अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिन नौजवानों को नौकरियां रोजगार चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिन परिवारों को फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री इलाज चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, माताओं बहनों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है उसके आधार पर लोग हमें वोट करें। इसलिए अयोध्या आने के पीछे एक बड़ा मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके राम राज्य की जो कल्पना है उसको जमीन पर कैसे सच करके दिखाया जाएगा वो भी एक मनसा कोशिश और प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था, आपका कोई सवाल होगा।